तो नमस्ते नमस्ते, आप सबका मेरे हेल्थी और लाइफस्टाइल के चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपसे एक बाहर अच्छा मौसम हो रहा है और मैं आज सोच रही हूँ कि जलेबी बनाए, तो मैंने इसलिए जलेबी का जो है पेस्ट है वो मैंने रात को भिगो दिया था। और मैंने वो कैसे भिगोया, तो ये दो कटोरी मैंने मैदा ली है और पानी में भिगोनी है। ये दो कटोरी मैदा ली है और आप ऐसे अगर आपके पास ऐसी कोई साइज़ वाली स्पून हो तो आप वो ऐड कर सकते, वो ले सकते हो। ये वाला मैंने है बेकिंग पाउडर मैंने इसमें डाला है, ये वाली छोटी छोटी स्पून का। अगर आपके पास ऐसी स्पून नहीं है तो आप चुटकी से डाल सकते हो और उसको अच्छे से आपको फिर फेंट लेना है और मिक्स कर लेना है। उसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए, इसे मिक्स कर लेना है। तो इसको आप 24 आवर्स आप भिगो कर रख दीजिए। तो बेस्ट तरीका है आप रात को इसको भिगोइए, तो ये पूरी रात मतलब कि इसमें जो खमीर है वो पैदा हो जाएगा और वो जलेबी के लिए एकदम बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मैंने ये रात को भिगो दिया है। अब मेरे पास ऐसी तो आप इसको अब जलेबी बनाने के लिए जो आपको मतलब कि चाहिए होता है, तो मेरे पास ये है केचप की जो बोतल है, इसमें आप इसका इस ढक्कन का जो ये देखिए इतना है। और इससे अगर आपको छोटा भी चाहिए तो आप छोटा भी कर सकते हो, छोटा ढक्कन का जो छेद होता है इतना वो भी ले सकते हो, वो दूसरी केचप की जो बोतल आती है। तो मेरे पास अभी ये अवेलेबल है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम इसमें ये सारा इसमें डालेंगे, तो मैंने ये यूज़ किया है। और फिर अब इसको खमीर को इसमें आप डाल दीजिए। इससे यूज़ करने से क्या होगा कि आपका मतलब कि बाहर नहीं निकलेगा और ये सारा इसमें ही चला जाएगा। तो ये हमने डाल दिया है। मैं बिल्कुल थोड़ी सी ही बना रही हूँ क्योंकि इसके दो रीज़न है। एक तो मेरे हस्बैंड को मेरे बच्चे मीठा नहीं खाते हैं और दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे पास मतलब कि थोड़ा सा जो मैंने लास्ट टाइम बनाई था शुगर सिरप, चीनी का सिरप मेरे पास है, तो मैंने सोचा कि इसमें मैं जलेबी बना लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए, मैंने लास्ट ईयर अगस्त में बनाई थी और वो भी उस पे राखी पे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको त्यौहार पे ही ये चीज़ें बनाएं, आप कभी भी बना सकते हो। इससे क्या होता है आपकी रेसिपी मतलब कि आपको याद रहती है, छोटी से छोटी डिटेल आपको याद रहती है बनाने की, तो आप इसको डेली रूज में भी बना सकते हो। स्पेशली जहाँ आपको ये स्वीट वगैरह नहीं मिलते हैं, तो वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो कुछ भी स्वीट नहीं मिलता है, तो मैं ये चीज़ अपने आप ही बनाती हूँ। जैसे मैंने होली पे ब्रेड के गुलाब जामुन बनाए थे और गुजिया बनाई थी फर्स्ट टाइम मेवा निकाल के। तो ये चीज़ें मतलब कि मैं तो हार पे बनाती रहती हूँ। तो अब मैंने इसमें सारा डाल दिया है, अब इसको मैं ढक्कन और बाकी के हम रख देते हैं, फिर तेल गरम करना और फिर निकालते हैं इसकी जलेबियाँ। जलेबी बाई नहीं, नहीं जलेबी बाई नहीं हूँ मैं, आरती ही हूँ। तो चलिए और आगे के
दोस्तों बन गई है मेरी जलेबी, करकरारी जलेबी, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पिक। तो मेरी जलेबी टन टा, ये रही मेरी जलेबी, क्योंकि मेरे पास कलर नहीं था। और आप सोच रहे हो कि ये जलेबी का कलर क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास कलर नहीं था येलो, तो इसलिए मैंने कलर ऐड नहीं किया है इसमें। तो ये ब्राउनिश थोड़ा बनी है, और कलर मैटर नहीं करता। जलेबी आपकी करकरारी होनी चाहिए एक तो, एक उसका जो आप चाशनी बनाते हो वो ठीक होनी चाहिए, और इसमें मतलब कि खट्टापन नहीं आना चाहिए, जो आप इसका मतलब कि रात को जो इसका बेस बनाते हो उसमें खट्टापन नहीं आना चाहिए, या आपकी में इसमें फुलफुले नहीं उठने चाहिए। तो ये देखिए मेरी जलेबी, और मैं भी आपको दिखाती हूँ कितनी करकरारी है। तो करकरारी होनी ज़रूरी है, ये देखिए, ये देखिए कितनी मस्त बनी है ये जलेबी, इतनी करकरारी है, और ये देखिए अंदर से बिल्कुल कच्ची नहीं है। और तो बनाइए आप जलेबी घर में अगर आपको बनानी है, और करंटली टाइम है, जैसे आपका मन जलेबी खाने का मन करता है, या मोमोज खाने का मन करता है, या गुलाब जामुन खाने का मन करता है, या फिर आपको पास्ता। तो मैंने बहुत सारी रेसिपी है जो मैंने अपने चैनल पर डाली है, और आप देखिए। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि 40-50% जो पीपल है वो मेरी जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइबर नहीं है, नॉन सब्सक्राइबर है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो एक प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दो आप, तो मुझे सब्सक्राइब भी मिलेंगे, और मुझे और भी प्रोत्साहन मिलेगा ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने का। क्योंकि आपको मेरी वीडियो को अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि एक तो मैं फॉरेनर कंट्री में हूँ, यहाँ पर मीठा मिलता नहीं है, स्वीट नहीं मिलते, तो मैं घर पे ये चीज़ें बनाती हूँ, और आपको उसको और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे काम को, क्योंकि मैं बाज़ार से बनी बनाई ला के वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं आपके सामने हर चीज़ बना के आपको दिखा रही हूँ कि बन जाती है, और इतना मुश्किल नहीं है। और जैसे विदेश में लोग रहते हैं तो वो अपना कैसे काम चलाते हैं त्यौहार पे मिठाई के बिना, तो वो चीज़ मैं आपको उसके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे काम चलाती हूँ, कैसे मैं बनाती हूँ, कैसे मैंने सीखा है। और आपको एक सीक्रेट बताऊँ, जब मैं मंगोलिया में आई थी, मुझे 10 साल हो गए हैं उससे, और मैं हमेशा मैंने सबसे पहले जो मिठाई बनानी सीखी थी वो मेरे ये थे जलेबी। तो आपको मतलब कि मेरी वीडियो को ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मैं मतलब कि अपने आप खुद बनाती हूँ, खुद रेसिपी मैं ढूंढती हूँ। और मैं मंगोलिया में मैंने सबसे पहले जो बनाई थी स्वीट बनाई थी अपने घर पर त्यौहार पर, वो मेरी जलेबी थी, और मुझे 10 साल हो गया मैं इसको बनाती रहती हूँ, तो हर पे भी बनाती हूँ। और मतलब कि अगर कोई मेरे घर पे इंडियन फैमिली खाने पे आती है तो मैं उनके लिए डिज़र्ट में ये चीज़ बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे और कुछ चीज़ मिलती नहीं है, मतलब इंडियन मीठा नहीं मिलता है, और केक वगैरह तो बहुत मिलते हैं। तो गाइस एनीवेज, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इन्जॉय कीजिए आज की जो रेसिपी थी वो जलेबी थी, और इन्जॉय कीजिए, बनाइए, खाइए, और खुशियाँ बांटिए। बाय बाय।